हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल एंड सर्टेन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसके लिए देखिए आपके पास क्या क्या तीन चीजें लिखी हुई है और आपके पास कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, उसमें आपको बताना है कि सर्टेन टू हैपन होगा, इम्पॉसिबल होगा या आपके पास कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो देखिए सबसे पहले सर्टेन टू हैपन लिखा है, इसका क्या मतलब है? सर्टेन टू होपन, सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि ये जो लिखा है सेंटेंसेस, मतलब जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही कल होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आज हमारे पास आज थर्सडे है कि कल फ्राइडे होगा, तो ये तो होगा ही। सर्टेन टू मतलब निश्चित है कि कल फ्राइडे होगा, ये नहीं कि थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा आपका सैटरडे, थर्सडे के बाद तो आपका क्या आएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो ये आपका निश्चित है कि सर्टेन टू हैपन होगा ही, आपका होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आपका इम्पॉसिबल कि ये चीज नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बोलूं कि कल, जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी चीज बोलती हूँ कि एक, अगर आप एक वो डाइस है उसमें आपके पास 10 नंबर आएंगे, तो क्या हो सकता है? एक डाइस में आप लूडो खेलते होंगे और इस लॉकडाउन में तो आपने लूडो खूब खेला होगा। तो लॉकडाउन जब भी आप खेलते हो लूडो, तो उसमें क्या होते हैं, 6 तक आते हैं, एक डाइस होती है, उसके बाद कितने नंबर आते हैं, 6 तक ही नंबर आते हैं। और मैं बोल रही हूँ कि जब आप डाइस को उछालोगे तो उसमें आपके पास कितने आने चाहिए, 10। क्या उसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस में तुम्हारे पास 6 तक होते हैं, लेकिन ये किसमें कह रहा है 10, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स आपको क्या हो गया, इम्पॉसिबल। एंड नेक्स्ट आपका आता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इट मीन्स आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी। मैं बोल रही हूँ कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कल बारिश नहीं हो सकती, या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं, कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखिए इसका फर्स्ट है आपको बताने इसमें कि यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर टूडे कि तुम आज बड़े हो, देन यस्टरडे तुम कल से, मतलब जो पीछे वाला कर गया उससे तुम आज बड़े हो, तो ये तो होता ही है। नेक्स्ट हर टाइम, मतलब हर डे हमें क्या होता है, हम इंक्रीजिंग होते हैं, हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा चलता है कि हम हर डे हमारे पास ओल्डर है कि हम बढ़ते जाते हैं हर टाइम, नेक्स्ट डे। तो उसकी वजह से क्या है कि तुम कल आज से बड़े होंगे। तो देखिए हमारे पास हर दिन हमारा क्या होता है, बढ़ता है, हमारी जिंदगी का एक दिन कम होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ से यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज होगी ही होगी कि हम जैसे आज है वैसे कल उसे एक दिन बड़े होंगे ही होंगे। तो ये आपके पास पॉसिबल है कि ये चीज तो होगी ही होगी, सर्टेन टू हैपन। तो क्या आएगा इसमें, सर्टेन टू हैपन कि ये चीज तो पॉसिबल है, ये तो होगा ही, तो सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट आपके पास देखिए, नेक्स्ट इसने लिखा है ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड अप। इसने कहा अगर हम टॉइन को, एक कॉइन आपने देखा है कॉइन के पास दो ही होते हैं, हेड और टेल। ये कह रहा है अगर मैं कॉइन को उछालूं तो उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, हेड। तो कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अगर मैं कॉइन को उछालूंगी तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस मीन्स क्या, अगर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं, जरूरी नहीं है, सर्टेन टू हैपन नहीं लिख सकते कि जरूरी ही है, अगर मैं कॉइन को उछालू तो मेरे पास हमेशा ही हेड आए। एंड इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हेड तो होता ही है कॉइन में, हेड और टेल दोनों होते, तो हेड तो आएगा ही आएगा, हेड आए टेल आए, तो इम्पॉसिबल। तो कौन सा हो गया, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, अगर मैं कॉइन को उछालू तो मेरे पास हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो क्या हो गया यहाँ से, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट देखिए थर्ड आपका इसमें, इसमें थर्ड है ए डाई वेन टोस्ट सेल, ए डाई वेन टोस्ट सेल लैंड अप विद, लैंड अप विद एट ऑन टॉप। ये कह रहा है अगर मैं एक डाइस को उछालू तो उसमें टॉप पे एट आई, टॉप पे एट आई, लेकिन एक डाइस में कितने मार्क्स होते हैं, 6 तक, 1 2 3 4
फाइव. अगर मैं एक डाइस को उछाल लू तो मेरे टॉप पे वन आ सकता है, तो टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि डाइस में कितने मार्क्स तक होते हैं, सिक्स तक भी मार्क्स होते हैं उसमें. तो ये तो इम्पोसिबल, कैसा होगा इम्पोसिबल, तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, अगर ये बोले कि आता एक डाइस को उछालो और आपके पास फाइव आए टॉप पे, तो ये तो हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसमें तो कैंसर हैपन बट नॉट सर्टेन. लेकिन ये तो इम्पोसिबल ही नहीं, क्योंकि डाइस में तो एट मार्क्स होता ही नहीं है, तो कौन सा हो गया ये आपके पास इम्पोसिबल. नेक्स्ट देखिए आपके पास है फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. इसने कहा है इतना नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइन है वो ग्रीन होगी. तो कैसे पॉसिबल है कि अगर हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट लाइन होगी, जो नेक्स्ट लाइट होगी ट्रैफिक रूल की, वो ग्रीन होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल तो है, लेकिन क्या पता आपके पास ग्रीन ना हो, क्या जाए येलो आ जाए, रेड आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास वो लाइट, नेक्स्ट लाइट जो होगी वो ग्रीन ही होगी, हो भी सकती है और नहीं भी, ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी, क्या पता रेड हो, क्या पता येलो हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, ग्रीन ही हो. तो क्या आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. नेक्स्ट देखिए आपके पास फिफ्थ पार्ट है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. अब देखिए यहाँ से, इसने कहा कल आपके पास क्लाउडी डे, मतलब कल बारिश का मौसम होगा, कैसे हो सकता है क्लाउडी डे, नहीं हो सकता. पॉसिबल है और नहीं भी, मतलब हो भी सकता है और क्या पता हो भी जाए और क्या पता ना भी हो. तो जरूरी निश्चित तो नहीं है कि कल होगा ही होगा. ठीक है, ये भी नहीं हो सकता और हम ये भी नहीं सकता कि भाई हो ही नहीं सकता, हो भी सकता और नहीं, क्या जाए कैन है पर बट नॉट सर्टेन. इसमें पॉसिबिलिटी थी तो हम पता लगाते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं है चीज, एंड सर्टेन टू हैपन, ये चीज जरूरी ही होगी ही होगी. जैसे आपके पास अगर ये मंथ चल रहा है आपका, अगस्त चल रहा है, तो उसके बाद आपके पास सेप्टेम्बर आएगा, या पॉसिबल है कि उसके बाद आपका सेप्टेम्बर आएगा, ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल है. और ये भी नहीं बोल सकते कि जरूरी नहीं कि सेप्टेम्बर आए या नहीं आए, लेकिन अगस्त के बाद आपको क्या होता है सेप्टेम्बर, मतलब ये चीज निश्चित होगी ही होगी. तो आपका क्वेश्चन नंबर वन कम्प्लीट हो गया, कल स्टार्ट कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.